दिनांक 24 मार्च 2022 को बहादुरपुर प्रखंड के वाजिदपुर पंचायत के असगांव में बहादुरपुर थाना ने सूचना के आधार पर 24 बोरा लदे अनाज के साथ एक टेम्पो BRO 7GA 5666 को जब्त किया। उक्त टेम्पो जिस जगह से जब्त की गई उस जगह के आगे पीछे कुछ ही दूरी पर दो जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान है। टेम्पो जब्ती के बाद से 7 से 8 की संख्या में मीडिया कर्मी जानकारी लेने घटनास्थल पर पहुंच चुके थे, जहां देखा गया कि थोड़ी ही देर में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नितेश कुमार अपने सहयोगी के साथ घटनास्थल से कुछ दूर पहले जन वितरण प्रणाली विक्रेता नूर आलम के यहां निरीक्षण करने गए। मोहम्मद नूर आलम निरीक्षण संबंधित जो जानकारी दी वो सुनाते हैं। निरीक्षण बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पत्रकारों से मिले और जानकारी में जो बताएं वो हम आपको सुनवाते हैं। एमओ के द्वारा जानकारी देने के बाद अपने सहयोगी के साथ वापस मोटरसाइकिल पर बैठ चले गए। पत्रकार जब इससे संबंधित जानकारी लेने PDS नूर आलम के पास पहुंचे ही थे कि दोबारा MO आए और स्टॉक गिनती शुरू कर दी, जिस पर उसी जगह पत्रकारों ने दोबारा एक ही जगह आने की वजह जानना चाहा तो आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि पहली बार सही से गिनती नहीं हो पाई थी, इसलिए दोबारा आना पड़ा। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर 2 से 3 दुकान है तो तीनों दुकान की आपूर्ति पदाधिकारी ने निरीक्षण क्यों नहीं किया, जबकि उक्त टेम्पो किसी अन्य जगह से बरामद किया गया। नहीं, मेरे यहाँ तो MO साहब आए हैं, उसके बाद जो स्टॉक मिला है स्टॉक तो मेरा पूरा मिला हुआ था। उसके बाद जांच हम उनसे पूछे कि क्या दिक्कत है बोलिए, उसके बाद जैसे बोले कि नहीं ठीक है। उसके बाद जो काजल कुमारी का पाने 300 क्विंटल माल जो BDO साहब प्रभार में थे, क्या था आपके ऊपर? मेरे ऊपर कोई शिकायत नहीं, टेंडर माल के मेरे यहाँ चले आए। कौन आए थे? मैं MO साहब आए थे, उसके बाद जो है माले उनके PA जो है राम कुमार जी सो आए हुए थे दोनों आदमी, और हमको 3 मशीन मिला विभाग से, 2 दुकान संबंध, लेकिन हमको आवंटन 2 ही मशीन से मिला। इनका है काजल कुमारी का जो पने 300 क्विंटल माल है जो आज तक हमको नहीं मिला, आदेश दिया गया कि नूर आलम को देना है काजल कुमारी को, लेकिन नहीं दिया। तो मैं SDO को लिखा, DM साहब को लिखा, हमेशा हमको परेशान किया गया। आरोप लगा था, हम लोग जाँच करने आए, इनके पास 365 बोरा अनाज है। तो फिर आरोप मीडिया के माध्यम से बताया गया था कि इनके द्वारा ब्लैक किया जा रहा है, हम लोग जांच करते हैं, पता नहीं चल रहा है। स्टॉक मिला है उसका जांच करते हैं, कोई पब्लिक बताएं लोग अनाज ब्लैक होता है उसको हम जांच करते हैं, उसका जो होगा रिपोर्ट जाते हैं तैयार करते हैं, देखते हैं उसको मिला के हम लोग जांच करके रिपोर्ट जमा कर देंगे अनुमंडल में। फिर भी कोई टाइम टेबल होगा? मुकेश छादर बंगा, R9 भारत।